ओके गूगल, हु आर यू? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज महेंद्र सिंह धोनी? इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप गूगल असिस्टेंट का यूज कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टेक माय वे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गूगल असिस्टेंट एक वॉइस असिस्टेंट है जो गूगल की तरफ से हमको मिलता है। ये बिल्कुल सीरी की तरह होता है जो आईफोन्स में होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने वॉइस से कोई कमांड देते हैं, कुछ करने के लिए बोलते हैं और वो काम अपने आप कर देता है हमारा मोबाइल हमारे वॉइस के जो हम जो भी बोलते हैं उसको। तो ये वॉइस कमांड इंग्लिश में अधिकतर होता है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसको कैसे यूज करना है और क्या क्या इसे आप कर सकते हैं। तो अगर आपका एंड्रॉइड का 6.0 मार्शमेलो या उससे आगे का कोई वर्जन है तो आपको प्री इंस्टॉल मिलता है आपके मोबाइल में, जिसको आपको एक्टिवेट करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है और यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने मोबाइल में और गूगल ऐप को प्ले स्टोर से जाके अपडेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद इसके सर्च बार में लिखेंगे गूगल और गूगल लिख के सर्च करते हैं। गूगल लिख के सर्च करने के बाद जो ये ऐप आता है हमारे पास गूगल का, देख सकते हैं। तो इसको हमको अपडेट कर लेना है, इसमें क्लिक करेंगे। अगर आपका अपडेट हो तो ठीक है, आप और डाउनलोड नहीं तो इसे डाउनलोड कर ले। वैसे तो ये हर एक मोबाइल में मिलता ही है पहले से, तो इसको हम पहले अपडेट कर लेंगे। ऐप अपडेट हो जाने के बाद हमको इसको ओपन करना है। ओपन कर जाने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा आपके ईमेल आईडी, तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल ले और उसके बाद फिर क्लिक करें कंटिन्यू में। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद हमको इसको सेटअप करना होता है, तो इसमें आप तो हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू में। तो यहाँ से हमारा गूगल ऐप सेटअप हो चुका है। अब हमको सेटअप करना है गूगल असिस्टेंट को, तो आपको नीचे में ये जो लाइन दिख रहा है तीन लाइन्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हमको जाना है वॉइस में। वॉइस में क्लिक करने के बाद हमको फिर ऊपर में आना है और क्लिक करना है वॉइस मैच, और यहाँ पे इसको ऑन कर देना है एक्सेस विथ वॉइस मैच। तो इसको हम पहले ऑन कर लेते हैं। इसमें क्लिक कर देने के बाद हमको गूगल असिस्टेंट का जो वॉइस मैच है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है, तो इसमें आप एग्री कर लेते हैं। आई एग्री में क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा, तो हमको ओके गूगल करना है, कहना है तीन बार और इसको सेटअप करना है। तो हम कहते हैं, पहले बोल के देखते हैं, ओके गूगल, ओके गूगल, हे गूगल, हे गूगल। तो हमने चारों स्टेप्स पूरा कर लिया और यहाँ पे देखिए इसको ऑन कर दीजिए। जस्ट से ओके गूगल को इसको टर्न ऑन कर लेना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और नीचे में उसके बाद आपको क्लिक कर देना है फिनिश्ड में। तो इस तरह से हमारा आवाज जो है मैच यहाँ पे कर लेता है और हमारा गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये दोनों चीजें ऑन है। अब हमको क्या करना है सिंपली कि पीछे आ जाना है बैक बटन से और गूगल असिस्टेंट को कुछ भी करने के लिए अब हमको होम बटन जो आपको बीच में मिलता है इसको लॉन्ग प्रेस करना है थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद फिर से हमको यहाँ कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगे। उसके बाद क्लिक करेंगे कंटिन्यू में, फिर नेक्स्ट, ओके गूगल, हु आर यू? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज महेंद्र सिंह धोनी? विल इट रेन टुडे? व्हाट इज द टाइम नाउ? तो जैसे कि आप देख सक रहे हैं मैं वॉइस कमांड दे रहा हूं और यह अपने आप यहां पे ले ले रहा है और हमको आंसर्स मिल जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में गूगल असिस्टेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज आप कॉल करने के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे हम क्लिक करते हैं, कॉल अविनाश, तो जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं मैंने वॉइस कमांड दिया और यहां पे यह कॉल लग चुका है। ओके गूगल, सेंड ए मैसेज। यहाँ पे आप इस तरीके से कह के मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में गूगल असिस्टेंट का यूज कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम की होगी और आप सीख गए होंगे कि गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट कैसे करना है और यूज कैसे करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी वीडियो मैं लाते रहता हूँ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।